गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और आज डेट है 22 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट आपका गणित है, कक्षा आपकी छठी है। तो आज हम संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे और दूसरा हम जानेंगे कि जमा को हम किस किस और तरीके से कह सकते हैं। तो देखिए, हरप्रीत के पास 1, रहीम के पास 2, रेखा के पास 3, राखी के पास 4 कंचे हैं। ठीक है, कंचों की कुल संख्या बताइए। मुझे कंचे खेलना बहुत पसंद था। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किस किस बच्चे को और कंचे खेलना, कौन कौन बच्चा अभी भी कंचे खेलता है। अगर मेरे साथ अभी भी कोई कंचे खेलने को तैयार हो और कच्ची मिट्टी में हम खेल सकें तो मैं अभी भी रेडी रहती हूँ खेलने के लिए। मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम है कंचे खेलना। तो बच्चों देखो, जमा क्या है। जमा अगर आपसे बोला जाए इकट्ठा कर लो, एक साथ रख लो, कुल कितने हैं, कुल हैं, जमा करो, आगे की ओर गिनो, तो ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे जमा हैं। ठीक है, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, ठीक है, हो गए टोटल 10। अब अगर आपसे कहा जाए कि कॉलम में लिखिए, कॉलम में लिखना होता है इस तरीके से कि जैसे अगर आपको दिखा दिया हुआ है तो कॉलम में जब आप लिखेंगे तो आपको हमेशा क्या करना है, किस तरीके से करेंगे, अभी बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लो एक नंबर दिया हुआ है 7, 2, 6, ठीक है, नंबर 1 दिया हुआ है, आपको कॉलम में लिखना है। अभी तो आपको बराबर दिए हुए हैं कॉलम में, और दूसरा नंबर दिया हुआ है 2, 3, 1, ठीक है, तो चलो हम 2, 3, 1 नहीं लेते हैं, एक नंबर कम कर देते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे, 2, 7, और ये नंबर पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे 1, 3। अब आपको कंफ्यूजन ना हो, जो जहाँ जिसके नीचे बच गया ना उसके नीचे जीरो लगा दें। ठीक है, अब ऐड करेंगे 6 + 1 कितना हो गया 7, 2 + 3 5 और 7 57। इस तरीके से आप कॉलम में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से ऐड किया हुआ ये। अब देखिए, अगर जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट वाले सम या फिर वर्ड वाले सम जो होते हैं, एक गांव में 3786 पुरुष हैं, 3672 महिलाएं हैं और 1508 बच्चे हैं, तो कुल जनसंख्या आपको पता करनी है। जब कुल निकालना होता है तो समझ लो क्या निकालना होता है, जमा करना होता है। तो इनको ऐसे कॉलम में लिख लेंगे और जमा कर देंगे। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले हम इनको जमा हम अपने कॉलम में लिखेंगे तीनों को। तो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो तीनों क्वेश्चंस पहले करते हैं। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 5 + 6 कितना होता है 5 और 6 होता है 11। ठीक है, हमारा 1195 आंसर है। 7 और 1 8 हो गया, 8 और 4 12 और 1 हमारा लग गया हासिल, 4 और 5 9 और 1 10 की 0, 1 हमारा कैरी लग गया, 8 और 5 13 और 1 14। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम तीसरा करेंगे, 5 और 5 दूसरा पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, 5 और 5 10, 1 लग गया कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, 8 और 5 13, ठीक है, 1 कैरी लग गया, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है, 4 और 1 5, तो ये हमारा आंसर आ गया, तीनों हो गए। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, एक आदमी ने एक पेड़ से 435 आम तोड़े, दूसरे पेड़ से 450 तोड़े और तीसरे पेड़ से तोड़े 295। तो पेड़ों से तोड़े गए आमों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो क्या करें, पहले इन तीनों को कॉलम में लिखेंगे, और लिखेंगे कैसे ये जरूर ध्यान रखना है किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अपनी कॉपी में इस तरीके से स्टेटमेंट वाले सम को इसे ऐसे लिखेंगे, पहले पेड़ के आम, ठीक है, पहले पेड़ के आम कितने हैं 435, ठीक है, दूसरे पेड़ के आम है 450, तीसरे पेड़ के आम है 295। तो ऐड कर लेते हैं 5 और 5 10 की 0, ठीक है, 1 लग गया कैरी, 9 और 5 14 14 और 3 17 और 1 18 का 8 और 1 लग गया कैरी, 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11। तो टोटल आम कितने हुए, कुल आम कितने हो गए 1180। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान वर्कशीट थी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। ओके, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिख ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।